नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बिना निराश बिना हताश हुए अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए मोस्टली 40 दिन से कम बचे हुए हैं। जिनमें आपके दो बड़े बड़े पेपर जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, इन दोनों की प्रिपरेशन में रिविजन प्रोसेस में होंगे और ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन हिंदी माध्यम के रिजल्ट के हिसाब से आपको थोड़ा सा केयर करना चाहिए। जो भी निराशा हताशा है उसे एक समय के लिए छोड़ दें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, नॉलेज सीरीज करके। इसमें क्या होगा, जो भी प्रमुख संस्थान होंगे उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो जो सिंगल इंफॉर्मेशन बायस क्वेश्चन आते हैं उनको हम इससे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको हम इसके अंतर्गत लेके आएंगे। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। इसके संवैधानिक प्रावधानों की अगर बात की जाए तो कुल संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं और उनमें ये 15वां भाग है। 15वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में, 329 तक इसके बारे में बताया गया है कि इसके क्या कार्य होंगे, क्या प्राधिकार होंगे, क्या शक्तियां होंगे, इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, काम कैसे करता है, इत्यादि इत्यादि। तो 324 ये कहता है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो और अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर के बनेगा। देखो, अगर इसकी बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्थापना इसी समय हुई थी और 1950 से लेकर के, ठीक है, पहले आम चुनाव जब इसने कराया तब से लेकर के 15 अक्टूबर, ठीक है, 1989 तक ये सिंगल सदस्यीय निकाय था, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन 1989 में इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया, यानी इसका मतलब ये है कि आयोग के काम को और बेहतर बनाने के लिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर बर्डन था उसको कम करने के लिए 1+2 कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर के 3 निर्वाचन आयुक्त हो गए, एक मुख्य दो अन्य। थोड़ा विवाद हुआ, विवाद में 1990 में फिर सिंगल सदस्यीय बना दिया गया है ना, तब से लेकर के 1993 में इसको फिर पुनः उतना ही बड़ा कर दिया गया, यानी बहुसदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो कुल मिलाकर के 3 लोग होते हैं वर्तमान में। मूल संविधान में एक ही की व्यवस्था की कि एक निर्वाचन आयुक्त से मिलकर के चुनाव आयोग का निर्माण होगा। ओके, तो आपकी समझ में आ गई होगी कि कैसे कब बदला। और एक चीज और परिवर्तन किया गया है इसमें, जो मेजर चेंज था, पहले क्या होता था कि जो 21 वर्ष का व्यक्ति होता था वो वयस्क मतदाता माना जाता था, लेकिन 1989 में, ठीक है, न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके कब कर दिया गया, उसको घटा करके कर दिया गया 18 वर्ष। और ये संशोधन की अगर बात की जाए तो ये 61वां संविधान संशोधन था जो 1988 में आया था और ये कानून 1989 से लागू हो गया था। बात समझ में आ गई? तो 1988 और 9 में दो मेजर चेंज हुए। सबसे पहले जो निर्वाचन आयोग आयोग का काम था वो ज्यादा हो रहा था, तो उसके लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। ओके, नियुक्ति कैसे होती है, तो प्रेसिडेंट इनको करता है, ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और इनका जो कार्यकाल होता है, वर्किंग पीरियड, अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष, ठीक है, ज्यादातर जो संवैधानिक संस्थान है उनका 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष, जैसे कैग की बात की जाए तो उसका भी 6 वर्ष और 65 वर्ष है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकते हैं। और ये अगर पद छोड़ना चाहे तो त्याग पत्र के माध्यम से अपना पद छोड़ सकते हैं, और उनको कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके अपने अलग प्रोविजंस हैं, कैसे हटाया जा सकता है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके बारे में, देखो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ना, उसका निर्णय ऐसा नहीं है कि सभी को मान लेना पड़ेगा। उसका निर्णय जो है बहुमत के आधार पर होता है। सिंगल नंबर में बहुमत नहीं होगा कि वो अकेले अगर कोई वीटो का प्रयोग करे, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। जो भी निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पे होता है। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि नहीं, किसी भी निर्णय में वो अपने वीटो का प्रयोग करता है तो वीटो का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है।
और सरकार अगर चाहे तो उसकी पुनः नियुक्ति दोबारा कर सकती है। बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं। आगे के प्रावधान क्या कहते हैं, ठीक है, कि अगर उसको हटाने का संकल्प पारित होगा, अगर उसको हटाया कैसे जाएगा, ठीक है, तो हटाने के लिए देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है, सेम प्रोसीजर इसके लिए भी है, लेकिन इसके लिए किसी महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया गया है। इतना बस लिखा गया है संविधान में कि इसको अगर कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है कि मान लिया त्याग पत्र दे दिया, हट गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन त्याग पत्र अगर दुर्व्यवहार किया है, कोई अक्षमता है ना, तो इन आधारों पर उसको हटाया जा सकता है, और इसको उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, ठीक है। तो जैसे ही विशेष बहुमत से संकल्प पारित होगा ये अपने पद से बाहर हो जाएगा, और विशेष संकल्प तो जानते हैं उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, और उपस्थित होने वालों का बहुमत और जो मतदान में भाग लेंगे उनका 2/3 बहुमत, ठीक है, दोनों सदनों से इस पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। देखो जब कोई भी इलेक्शन की कराना होता है तो निर्वाचन आयोग उसकी अधिसूचना जारी करता है, ये काम किसका है, निर्वाचन आयोग का, कि वो अधिसूचित करता है, ठीक है। संसद को नियम कानून बनाने का अधिकार है, अधिसूचना ये जारी करता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। जो चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा, मतदाता सूची, ठीक है, वो भी तैयारी करने का काम इसी का होता है, ठीक है, उसका पुनरीक्षण करना, चुनाव कार्यक्रम और तारीखों की अधिसूचना देना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों में मान्यता प्रदान करना। अभी देखा होगा पहले हमारे 8 राष्ट्रीयकृत दल थे, लेकिन एनसीपी, सीपीआई, सीपीआई और टीएमसी सी को क्या किया गया, उनसे राष्ट्रीय दल का ले लिया गया, और आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बनके उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया। वो कैसे दिया जाता है उसके बारे में बताएंगे, और राजनीतिक दलों के आदर्श आचार संहिता को लागू करवाता है। जैसे जिस दिन इलेक्शन घोषित किया जाता है उसी दिन से क्या होता है, आचार संहिता लागू कर दी जाती है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये इसके फीचर्स हैं। दूसरी बात, इसकी शक्तियां क्या होंगी, ठीक है, तो शक्तियां देखो ये 3 प्रकार की शक्तियों को लेकर के चलता है। सबसे पहली होती है प्रशासनिक, अगर शक्तियों की बात की जाए तो इसकी पहली शक्ति है प्रशासनिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसको बोलते हैं। अगर दूसरी शक्ति की बात की जाए, ये पहली हो गई, दूसरी शक्ति की बात की जाए तो सलाहकारी, और तीसरी शक्ति की अगर बात की जाए तो इसका काम होता है हाफ जुडिशली यानी अर्ध न्यायिक, इसे दीवानी न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त हैं, और ये प्राकृतिक न्याय से सिद्धांत से काम करता है। देखो प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत अगर हम देखें क्या क्या होता है, तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का वो निर्धारण करता है, ठीक है। अभी जैसे देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का परिसीमन आयोग गठित किया गया था, ठीक है, पहला परिसीमन आयोग पूरे भारत के लिए जो 1952 में गठित किया गया, दूसरा 1962, तीसरा 1992 और चौथा 2002 में गठित किया गया, ठीक है। दूसरी बात, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह प्रदान करना। देखो निर्वाचन चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आरक्षित, ठीक है, आरक्षित चिन्ह वही होता है जो राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर के दल होते हैं उनको आरक्षित किया जाता है। जैसे भाजपा के लिए कमल है, कांग्रेस के लिए हाथ का पंजा है, आपके लिए अब झाड़ू अलर्ट हो गई है, ठीक है। और एक अन्य होता है, अन्य में वो छाटो बिलों वाला काम होता है कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है, कोई निर्दलीय खड़ा होना चाहता है, तो उनके लिए वहां से चिन्ह अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, उन्हें चुनाव चिन्ह देने के मामले में अगर कोई विवाद होता है, जैसे अभी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना विवाद हुआ, इसके पहले सपा में विवाद हुआ है ना, तो ये जो कि चिन्ह किसको जाएगा पार्टी का, और पार्टी का मेन कर्ता धर्ता कौन होगा उसके बारे में निर्णय करता है, ठीक है। और ये यहाँ अर्ध न्यायिक निकाय की तरह कार्य करेगा, ठीक है, इस कार्य के मामले में वो क्या करेगा, अर्ध न्यायिक निकाय की तरह कार्य करेगा। और चुनाव जो भी निर्वाचन व्यवस्था होगी उसके विवाद के लिए अधिकारी की नियुक्ति करना, ठीक है,
उसके बाद निर्वाचन के समय दलों के उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। देखो आचार संहिता संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं आई है, आचार संहिता सभी दलों को मिलकर कर आपसी सलाह मशवरा से निर्धारित किया गया है। तो आचार संहिता जो भी है उसका कोई कानूनी एंगल नहीं है, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, वो चुनाव आयोग के आधार पर चलती है। राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी कार्यक्रमों की सूची निर्मित कर रहा है। संसद सदस्यों के निरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना है। अब देखो अगर सलाहकारी की बात आती है कि मान लिया किसी सदस्य पर दल बदल के आधार पर या अन्य किसी आधार पर उसको क्या बोलते हैं निर्भरता से संबंधित या अयोग्यता से संबंधित कोई वाद आता है तो उसको सलाह देता है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। उसके बाद विधान परिषद सदस्यों के मामले में वो राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, प्रशासनिक कार्यकारी के प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत अगर पूछा जाए तो कर्मचारियों की अगर निर्वाचन कराने में कर्मचारियों की आवश्यकता है ठीक है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल से वो आग्रह कर सकता है। समस्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करता है, रिव्यू करता है ठीक है। और राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्र शासन वाले राज्य में एक वर्ष, मान लिया किसी अगर बात की जाए अगर किसी राज्य में मान लिया राष्ट्र शासन 356 का प्रयोग हुआ था और वहां पर क्या किया गया संसद के अनुमोदन के माध्यम से 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है ठीक है। मान लिया सेकंड टेन्योर के लिए बढ़ा दिया गया, मान लिया एक साल तक का 356 का प्रयोग हुआ। अब इसके बाद इसको मैक्सिमम 3 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के लिए तब बढ़ाया जाएगा जब निर्वाचन आयुक्त ठीक है निर्वाचन आयुक्त ये घोषित कर दे कि जिन क्षेत्र में चुनाव होना है वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते ठीक है। कई कारण दे सकता है कि वहां पर अतिक्रमण हो सकता है या अन्य, तो ही 356 का प्रयोग 3 साल के लिए होगा, अन्यथा 356 वहीं से समाप्त हो जाएगा और नए चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना तथा निर्वाचन प्रदर्शनों के आधार पर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल देना ठीक है ये काम है। अगर दृष्टि देखा जाए कि दृष्टि लक्ष्य और सिद्धांत क्या है, देखो चुनाव आयोग अपनी श्रेष्ठता ठीक है का एक नमूना सक्रिय क्रियाशीलता भागीदारी चुनावी लोकतंत्र में गहराई मजबूती प्रदान करके काम कर रहा है ठीक है। और उसका लक्ष्य देखो है हर कोई संस्था होती है तो वो स्वतंत्र और स्वायत्त और अखंडता को बनाए रखना चाहती है, कोई भी चाहे इलेक्शन कमीशन हो फाइनेंस कमीशन हो या कोई भी संस्था हो, जो भी संस्था है तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के जिन दायरों में आता है तो उसमें सबसे पहले यही बात आती है कि निष्पक्ष होनी चाहिए ठीक है। और चुनाव आयोग पर अभी देखे जैसे जो तुम्हारी ईवीएम मशीन है ना उसको लेकर के कई विवाद सामने आए हैं जिसको समय समय पर उनका निर्धारण भी किया गया है, वीवीपैट ठीक है वेरिएबल वोटर टेस्टिंग जो होती है, तो इनके बारे में सबसे पहले गोवा में प्रयोग की गई, उसके पहले कई प्रायोगिक तौर पर 3-4 राज्यों के राज्यसभा चुनाव में की गई। वीवीपैट का प्रयोग 2013 में शुरू किया गया ठीक है। तो इस तरह की नोटा का प्रयोग भी 2013 के इलेक्शन के बाद से प्रयोग किया गया, राज्यसभा में नहीं लोकसभा विधानसभाओं में नोटा का प्रयोग किया जाता है ठीक है। तो उसका लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य यही होगा कि भाई सीधी सी बात है स्वतंत्र हो ठीक है स्वायत्त हो अखंडता को बनाए रखे ठीक है और नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करे, दोष युक्त ना हो ठीक है, पारदर्शी चुनाव कराया जाए, तो ये इसके लक्ष्य होंगे। सिद्धांत के संबंध में तो समानता निष्पक्षता स्वतंत्रता जैसे अगर बात की जाए ठीक है कि अगर ये तो हो गया इतना, अब 325 क्या कहता है? अब आपने चुनाव आयोग के बारे में मोटी मोटी डिटेल्स ले ली हैं, अब अगर बात की जाए 325 क्या कहता है तो 325 के अंतर्गत कहा गया है किसी व्यक्ति को ठीक है मान लिया कोई व्यक्ति को जो 18 वर्ष का हो चुका है उसे धर्म मूल वंश जाति या लिंग इन 4 आधारों पर उसे विभेद नहीं किया जा सकता, मतलब निर्वाचक नामावली सम्मिलित करने के लिए इन 4 आधारों पर उनको बाहर नहीं किया जाता। ताने में किया जा सकता है कि मान लिया कोई पागल हो अथवा दिवालिया हो ठीक है या देशद्रोह के आरोप में हो या किसी उसमें हो तो उसको उस आधार पे तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, उसको अपात्र
नहीं होगा वो इस आधार पर, ठीक है। 326 की अगर बात की जाए, 326 क्या करता है, तो 326 का काम है लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यानी जो भी 18 वर्ष के ऊपर है, ठीक है, पागल अथवा दिवालिया नहीं है, ठीक है, बैंक्रप्सी नहीं है, ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में नहीं है या कोई अन्य आधार है, तो उसको क्या किया जाएगा, वोट डालने के लिए। उसके बाद 327 की बात की जाए, तो विधानमंडल, ठीक है, के निर्वाचन के लिए उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है कि विधानमंडलों का जो इलेक्शन होगा उसमें संसद कैसे शक्ति बना सकती है, राज्य विधानमंडल कैसे शक्ति बना नियम बना सकता है इत्यादि। उसके बाद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की, राज्य उस विधानमंडल की थी। देखो जनरली इस पे संसद कानून बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, राज्य विधानमंडल भी, ठीक है, कानून बना सकता है। बात समझ में आ गई, राज्य के संबंध में बना सकता है। अब उसके बाद 329 क्या कहता है, 329 का मतलब है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है कि अगर चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या राज्य विधानसभा का इलेक्शन हो, ठीक है, राज्य विधानसभा का इलेक्शन हो, कोई भी विवाद होता है तो व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, लेकिन संबंधित व्यक्ति ही दायर करेगा जो हारा हुआ हो या किसी को अन्य प्रॉब्लम हो, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगर निर्वाचन के संबंध में बात आती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है, अंतिम उसका व्याख्याकार वही होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारे 324 से लेकर के 329। अगर पीसीएस वगैरह में बात की जाए तो निर्वाचन आयुक्त तो कौन होगा, कौन था, ये सारी चीजें पूछी नहीं जाती। लेकिन अगर बात की जाए, ठीक है, अगर किसी से पूछा जाए कि नहीं कौन था सबसे पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था, ठीक है, या मुख्य निर्वाचन, तो अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो सुकुमार सेन थे पहले, दूसरे अगर वीके सुंदरम करके शायद थे, और सुनील अरोड़ा 2018 तक थे, वर्तमान में कोई और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के लोग टीएन सेशन भी रहे हैं। और अगर सुधार की बात की जाए कि जो 21 से 18 वर्ष किया गया वो कब किया गया, तो इस समय टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1990 से 96 तक रहे, या वीएस रामा देवी के साथ ये किया गया था। 90 में सिंगल सदस्य टीएन सेशन के बारे के लिए बना दिया गया, 93 में फिर बहुसदस्यीय बन गया गया। तो ये जो 1989 में चेंजेस हुए वो हुए शायद वीएस रामा देवी इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, क्योंकि 1990 से नहीं, शायद 1985 से 90 के बीच में थी, 1985 to 90 रामा देवी थी इस समय, चेंज हुए थे, दोनों चेंज हुए थे, मेजर चेंज। एक तो क्या किया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था, दूसरा बहुसदस्य निवाय मैक्सिमम यानी 1+3 कर दिया गया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीजें हैं तो वो पूछ सकते हैं। और इन इंस्टीट्यूशन को पढ़ने का बेसिक निहितार्थ ये है कि ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। आने वाली सीरीज में अन्य कमीशन को लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।